प्रैक्टिकल इंटेलेक्ट में ये होता है कि आप किसी चीज को प्रैक्टिकली अंजाम देते हैं तो उसका रिजल्ट आता है वरना रिजल्ट नहीं आता उसके बाद हमने ये कहा था कि तरबियत कहां से शुरू होती है तरबियत जो है हम कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ स्पाउस से शुरू हो जाती है और कल इस सिलसिले में कुछ बातें हुई थी आज हम अपने जवानों के लिए कुछ बातें और इस बारे में अर्ज करेंगे एक सलावाद भेज दीजिए देखिए सबसे पहले लाइफ में हर जगह पे ट्रायल एंड एरर नहीं होता अपने जवानों के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं लाइफ में हर चीज जो है जिंदगी में हर चीज के अंदर ट्रायल एंड एरर हम क्या कहते हैं उसमें नहीं क्या कहते हैं अप्लाई करते हैं। मतलब बाज अव ये होता है कि बास चीजें हैं जिसमें आप यू बेसिकली ट्राई समथिंग इफ इट फेल यू डू राइट बट इन फ्यू प्लेसेस यू डोंट डू ट्रायल एंड एर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक प्लेन में जाना है और पायलट आप किसी को अगर आप बनाना चाहे तो वहां पर आप किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेंगे आप उसके अंदर कहेंगे कि हंड्रेड परसेंट आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि ये आपको सिक्योर हो राइट तो ये जो शादी वाला मसला है ये बिल्कुल इसमें ट्रायल एंड एर नहीं है ये अपने बच्चों के लिए है कि इसमें किसी किस्म का कोई ट्रायल एंड एरर नहीं है कि मैं अगर मिसाल के तौर पे लेट मी ट्राई दिस लेट मी ट्राई टू मैरी दिस गर्ल और लेट मी ट्राई टू मैरी दिस बॉय एंड देन इफ समथिंग रॉन्ग आई विल चेंज माय लाइफ नहीं यहां पर जो है आपकी ये वो वाला केस नहीं है कि जहां ट्रायल और एरर होगा यहां पर हतमन जो कुछ भी आप करेंगे दैट्स योर डेस्टिनी यही आपकी आपके औलाद की डेस्टिनी यहां से डिफाइन होगी। देखिए अब हमारे ये मैंने क्यों बात कही इसलिए कही कि जब ट्रायल एंड एरर नहीं होता तो फिर यू हैव टू लुक फॉर अदर पीपल्स एक्सपीरियंस राइट हमें जो इस इन मुमालिक में जो एक डिफिकल्टी पेश आती है वो ये होती है कि हमारे बच्चे ये उनके सामने अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है कि वो मोमिन के अलावा बाहर शादियां करें बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन है बल्कि उधर से उधर से दूसरी साइड से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है खासतौर पर हमारे जवानों के लिए तो यहां पर यहां पर जो है आप ये गलती ना कीजिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको जाके आपको डाटा देखना पड़ेगा आप देखिए तमाम कम्युनिटीज में जाके डाटा चेक कीजिए जिन लोगों ने इस तरह की शादियां की हैं देखिए कि वो वाकई सक्सेसफुल हुई हैं या नहीं हुई हैं उनमें वो कहां तक अच्छा सक्सेसफुल यहां तक कि वो शादियां बरकरार रह गई यानी वो शादियां कितने साल बाकी रही उसके अलावा सक्सेस का जो है है वो तो ये है कि देन, you basically, you have to see जो आपके गोल थे लाइफ के जो आपके बच्चों के लिए गोल थे वो हासिल हुए या नहीं हुए तो हमें अगर हम ये डाटा इस तमाम डाटा को देखें बिल्कुल डाटा हमारे सामने है आप यहां भी देख सकते हैं जो पुरानी कम्युनिटीज हैं आप ह्यूस्टन जाके देख लीजिए आप शिकागो न्यूयॉर्क यहाँ की कम्युनिटीज को देखिए जो सीनियर लोग थे जो पुराने लोग थे जिन्होंने शादियां की अपने मोमिन के अलावा बाहर उनका उनकी शादियों का अंजाम क्या हुआ तो एक एक एवरेज निकालिए हमारी अपनी जाति जो है वो ये है कि तकरीबन ऐसी शादियां अगर हम बहुत कंजर्वेटिव बहुत कंजर्वेटिव रिजल्ट दें तो टेन परसेंट से ज्यादा कामयाब नहीं होती और ये जो कामयाबी हम ये कह रहे हैं कि ये शादियां बरकरार रह जाए नहीं हम उसको गोल की बात नहीं कर रहे ठीक है थीके? तो अच्छा सिर्फ यहां पर मसला सिर्फ ये नहीं है आइए हम देखें इस्लाम का क्या क्राइटेरिया है इस्लाम का क्राइटेरिया देखें कि इस बारे में इस्लाम हमें क्या रेकमेंड करता है एक सलाह यहां पर खुदा तआला ता, ता फरमा रहा है बल अमतु तो खैरु मिन का कहते हैं कि अगर आप ईमान की बात ऐसी है कि अगर एक कनीज मोमिना हो अगर एक कनीज मोमिना हो तो वो बेहतर है किसके मुकाबले में मुशरक के बारे में वलाओ आज़बत कुम अगरचे के आप अगरचे के आप उस चीज को क्या करते हो पसंद करते हो उसे अगरचे आपको जाहिरन जो है वो चीज आपको अच्छी लगती हो और बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो नीचे बताया कि वो मोमिन खैरुम मिनल मुशरक जो अब्दे है, वो मुशरक से बेहतर है देखिए क्राइटेरिया जो है वो क्या है क्राइटेरिया ये है कि आप ईमान को क्राइटेरिया करार दीजिए अच्छा इसमें एक्सेप्शन आ सकते हैं यकीनी तौर पे आज आपको ऐसी सिस्टर्स मिलेंगी ऐसे क्या कहते हैं ब्रदर्स मिलेंगे जो कि ईमान ला चुके हैं और वाकई जिन्होंने बहुत इस मसले पर बहुत ज्यादा इस पर फॉर्म है लेकिन ऐसे केसेस एक्सेप्शनल हैं आप हमने हम जब कुछ बात करते हैं तो जर्नल बात करते हैं कि जर्नली जो है वो ऐसा होता है कि जब आप क्या कहते हैं मिसाल के तौर पे जो यंग गाइज हैं जब वो चाहते हैं किसी से मैरी करना तो वो खातून आपको देख के पहले वो आपके साथ अटैच होती हैं उसके बाद वो आपकी वजह से इस्लाम लेके आती हैं ये जो चीज है ये बहुत बड़ा खतरा है यानी हमारे सामने ऐसे केसेस आए हैं जहां पर जब ये लव मैरिज खत्म हुई है ये एफिनिटी खत्म हुई है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद यह हुआ कि जब सेपरेशन हुई है उसके बाद वो इस्लाम भी चला गया और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है बच्चों का होता है क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो बच्चों के टॉपिक से रिलेटेड है बच्चों का नुकसान क्या होता है कि फिर बच्चे जो है वो दो दुनियाओं में बट जाते हैं या इस्लामी दुनिया और नॉन इस्लामिक दुनिया और अमूमन यहां कोर्ट जो है वो बच्चों का फैसला खातून के हक में करती है तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है बहुत बड़ा खतरा है जिसका जवानी में लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते लिहाजा हमने चाहा कि ये हमने पहले कहा था कि देखिए तरबियत कहां से शुरू हो रही है बच्चे की पैदाइश से पहले सिलेक्शन ऑफ स्पाउस के अंदर आप लोगों को यंग लोगों को यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हमने आप लोग जो ऊपर जो जंग लोग ऊपर नहीं आए थे हमने कहा था कि ये जिंदगी का ये वाला मैटर ट्रायल एंड एरर का नहीं है यहां पर जो है आपने दूसरों के एक्सपीरियंस से फायदा उठाना एक सला बात पड़ी। अच्छा देखिए दूसरी चीज जो हमने हमने दूसरा फिर हम शुरू हुए थे यहाँ पर कि अगर हमें हम जब देखते हैं कि जो बच्चे का जो फर्स्ट जो शख्सियत है जो मेन पर्सनैलिटी जो बच्चे की बिल्ड होती है वो शुरू के सालों में बिल्ड होती है और यहां से हम आए थे कि इन शुरू के सालों में सबसे ज्यादा जो इन पे इंफ्लुंस होता है वो माँ बाप का होता है और फिर हमने आए हमने इस जगह पर देखा कि जो गोल ऑफ मैरिजेस जो है हमने उसको देखा और गोल ऑफ मैरिजेस में हमने क्या चीज देखी कि खुदा की आयत में से है कि खुदा ने तुम में से एक एक को खल किया तुम्हारी जोज को तुम तुम्हारी नौ में से ताकि किस लिए उसका गोल क्या था ताकि आप शकून हासिल कर सकें इसको हम कहते हैं पीस ऑफ माइंड आप हासिल कर सकें एक चीज दूसरी चीज हमने कही थी कि आप मुद्दत हासिल हो सके इसको याद रखिए ठीक है, है ना इस चीज को याद रखिए तीसरी चीज हमने कही थी रहमत आपको हासिल हो सके ठीक है तीन ये हमने गोल दिए थे अच्छा देखिए अब ये जो थी ये तो तकरीबन था कि हमने गोल क्या थे लेकिन उसके बाद हमने कहा था कि जो उदतिका है एक नॉट है नॉट है शादी उसके शादी जो है दो मर्द और 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 औरत के दरमियान जब ये जो नॉट है अगर ये बाजोकत ढीली पड़ जाती है जब ये नॉट लूज हो जाती है तो फिर मसाइल क्रिएट होते हैं हमने कहा था उकदा के मायने क्या है उकदा एक ऐसी नॉट है कि जब एक दो रस्सियों को रोप्स को इस तरह से अटैच कर दिया जाए कि एक मूव करे तो दूसरी मूव करे एक टाइट हो तो दूसरी भी टाइट हो एक लूज हो तो दूसरी भी लूज हो यानी मर्द और औरत और और एक दूसरे के साथ इस तरह नॉट के अंदर बनते हैं कि एक की स्ट्रेस दूसरे की स्ट्रेस एक की खुशी दूसरी की खुशी ये तमाम ये तमाम चीजें होती हैं लेकिन अगर हमें क्या हो कि हमें पता चले कि ये सूरत हाल नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि यहां पर नॉट ढेली हो गई है यहां पे कोई मर्ज लग गया है और हमने मुख्तलिफ मर्ज कहते आज हम उसकी रेमेडी की बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम देखेंगे कि अगर जो एग्जिस्टिंग मैरिजेज हैं और हमने आपसे अर्ज किया था हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे दरमियान फैमिलीज के दरमियान जो एक आइडियल रिलेशनशिप होनी चाहिए थी वो रिलेशनशिप नहीं पाई जाती आज अगर जो टॉपिक है हमारा हम उसको हम डिफाइन करेंगे सो टू टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक अबाउट द हाउ टू इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन हसबेंड एंड वाइफ नाउ दिस वन आई विल गिव यू अ फार्मूला प्लीज रिमेंबर दिस फार्मूला

एफिनिटी होती आपको एक दूसरे की केमिस्ट्री में यू बेसिकली सी अनदर पर्सन यू सी समथिंग इन हिम दैट यू लाइक और डिसलाइक। एफिनिटी आपका लव, आपकी लाइकिंग, राइट दैट्स यूर लाइकिंग योर लव दैट्स कॉल्ड एफिनिटी सो द रिलेशनशिप वन ऑफ द फैक्टर रिलेशनशिप बेस्ड इज एफिनिटी और आप देखिए फैक्टर इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द यंग सी सम

ठीक है एंड आई टोल्ड यू गाइज दैट यू यू नॉट सपोज टू टू मच वरी अबाउट दिस वन बिकॉज देर इज समथिंग फ्रॉम अल्लाह सुबहाना वेन दिस नॉट दिस दिसन दिस नॉट हैज एट दैट टाइम है सुबहाना पुट दिस एफिनिटी इन द हार्ट पुट द एफिनिटी इन द हार्ट ऑफ हजबेंड एंड वाइफ सो ये एक फैक्टर है अच्छा यही फैक्टर अगर एफिनिटी डाउन हो जाएगी तो रिलेशनशिप वीक होना शुरू हो जाएंगे

यानी क्या आप एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो कंपेटेबल से क्या मुराद है हम कंपेटेबल से मुराद लेते हैं दैट इस्लाम यू हैव टू बी कंपेटेबल विद ईच अदर यू हैव टू द सेकंड फैक्टर ऑफ द रिलेशनशिप इज रियलिटी यू हैव टू हैव यू हैव टू हैव रियलिटी टू बी एग्रींग ऑन समथिंग और सम ठीक है मिसाल के तौर पे सपोज द वैल्यू ऑफ वन हस्बैंड

मिसाल के तौर पे आप किसी से पूछिए आपके नजदीक शॉपिंग व्हाट्स द व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द शॉपिंग समवन से फॉर मी शॉपिंग इज हॉबी एंड फॉर इफ फॉर यू इफ शॉपिंग इज अ नीड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन रियलिटी देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन रियलिटी इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन रियलिटी द रिलेशनशिप विल गो डाउन विल सिंक आप ये तमाम रियलिटीज आप चेक करेंगे सर बात पढ़ दीजिए ask the, the, the boy has to ask the girl what's your opinion about the goal of life she probably will say for me the goal of the life is abu Diyat. and the boy says for me goal of life is fun there is a problem in reality reality is not matching there should be like a there should be a signal signal start blinking that relationship will be, will be hard in future you have to check all these reality i'll just name few of them दैल्यू सिस्टम वैल्यूज आप इवन आप नोट कीजिए फ्रेंडशिप को या कि इंसान जो है वो इंसान से पूछे दूसरा इंसान अपने पर्सन वट वट्स यूर स्टैंडर्ड ऑफ द फ्रेंडशिप फॉर यू द अदर पर्सन में से समन कैन प्लीज मी दिनर्ड अदर पर्सन विल से नो 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 समन हू कैन गाइड मी और यू विल कीप मी ऑन द राइट पाथ ये तमाम रियलिटीज की मिसालें हैं ठीक तो अब अगर रियलिटी किसी वजह से अगर रियलिटी इंप्रूव होगी रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे रियालिटीज अच्छा हो सकता है एफिनिटी ना हो हो सकता है एफिनिटी कम हो लेकिन ये रिलेशनशिप बरकरार रह सकते हैं किसके ऊपर रियलिटी के ऊपर एक सवाल भेज बट दिस okay affinity is something most of the time either god gifted or it's happened you do not have a control on affinity reality it's as i told you it's been built up in the personality or you have to give you sacrifice and we agree on something that's the second thing if both down then the relationship is down अब थर्ड थिंग रह गई थर्ड फैक्टर रह गया दिस इज इन योर कंट्रोल द थर्ड फैक्टर इज कम्युनिकेशन थर्ड थिंग इज कम्युनिकेशन जितनी भी ऑल द स्टडी अबाउट द पीपल कम्युनिकेशन बिटवीन दम और कम्युनिकेशन वॉज नॉट हेल्दी कम्युनिकेशन हेल्दी नहीं थी कम्युनिकेशन में रिफ्ट था एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं थी अब यहां पर देखिए हमारा हम क्या बहस कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू अप्रिंग अ चाइल्ड राइट एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ टू हाउ टू फिक्स द रिलेशनशिप और हाउ टू इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बिकॉज द हजबेंड एंड वाइफ दे आर द मेन फैक्टर्स फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड स्पेशली जब बच्चा सात साल की एज तक मां बाप को अपना सब कुछ समझता है

अब यहां पर अगर घर के अंदर किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है कि पर्सनैलिटी पे असरअंदाज करेगा एक सवाल तो अब देखिए अब हमारे पास हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर है जिसके जरिए हम कम्युनिकेश जिसको हम जिसके जरिए हम रिलेशनशिप को इंप्रूव कर सकते हैं और वो क्या है कम्युनिकेशन अब कम्युनिकेशन में

द फ्यूल ऑफ दैट फायर इज ह्यूमन एंड एंड स्टोन एंड स्टोन विच मीन दायर इज इन साइड वी डोंट फील इट राइट मैंने आपको कहा था ऐसा नहीं है कि कोई इंसान एक इंसान को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे को रोस्ट करने के लिए नहीं खुद वो इंसान अपने ही फायर से जल रहा है अपने ही फायर से जल रहा है लिहाजा च्वाइस नहीं है चॉइस नहीं है कि इंसान हस्बैंड एंड वाइफ अपने रिलेशनशिप को सही करें अब किस तरह से उसको कम्युनिकेशन इंप्रूव करने से पहले हमें किन चीजों की जरूरत है हम आके एक दूसरे को पहले तो सबसे पहले जो है वो हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ देर इज बेसिक एथिक्स ऑफ कम्युनिकेशन देर इज एथिक्स ऑफ कम्युनिकेशन यू हैव टू ऑल ऑफ हसबेंड एंड वाइफ दे एथिक्स

ये रिलेशनशिप को किल करने के लिए आखिर क्यों जिस चीज के बारे में अल्लाह सुबहाना ने बहुत हार्श पनिशमेंट रखी है इसका मतलब है उसका नुकसान बहुत ज्यादा है और उसका नुकसान मैंने आपसे अर्ज कर चुका हूं आखरत का फायदा और नुकसान आखरत का नहीं है इसी दुनिया के अंदर है इसी दुनिया में आज आपको जो दुनिया जहान में जो प्रॉब्लम नजर आ रही है इख्त नजर आ रहे हैं उसके पीछे या तोहमतें होती हैं या याबतें होती हैं तो हैं क्या कहते हैं हम अपने इंडिया पाकिस्तान के लोगों के लिए एक दूसरे की तोहिन ना करें दिस इज द सेकंड बेसिक एथिक्स ऑफ ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा देखिए अमीर उलमोमिन क्या फरमाते हैं इसमें And now I'm going to give you a formula. This formula is so powerful. You're powerful. You can use this formula in training, in tarbiyat, in relationship, everywhere you want. You, you can use this formula. यहाँ पर अमीरुल मोमिन ने, ने फरमाया यही जुमला इमाम सज्जाद ने फरमाया फहानत अलैहि दुनिया शहमद की जगह दुनिया इस्तेमाल की देखिए इसकी मेंटेन हिज ओन रिस्पेक्ट इन व्यू हिज डिजायर अपेयर लाइट टू हिम देखिए एक फार्मूला है इसको अभी फार्मूला हम ड्राइव करेंगे इसमें से इसके हम इसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे इसको जो है ना उल्टा करेंगे और फिर फार्मूला निकालेंगे अपने मतलब के लिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि अगर कोई शख्स अपने नफ्स की बुजुर्गवारी का कायल होगा अगर कोई नफ्स अगर कोई शख्स अपने नफ्स को बुजुर्ग समझेगा करीम का मतलब क्या होता है देखिए करीम को उसके अपोजिट से समझे करीम का ऑफिस उठता है पस्त जलील जो शख्स अपने नफ्स के लिए किसी इज्जत का बुजुर्गवारी का करामत का कायल होगा उसके लिए शहवात पे काबू पाना आसान होगा आप देखिए नोट कीजिए आप देखिए जो बुजुर्गवार होते हैं वो छोटी छोटी हरकतें नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर खाने के टेबल पे बैठे होंगे या किसी जगह पे बैठे होंगे किसी जगह पे चलने में बोलने में बिहेव करने में वो रियायत करते हैं किसी चीज की क्यों उनको अपनी करामत का एहसास है उनको अपनी करामत का एहसास है, है ये एहसास अगर किसी को हो जाए कि वो करीम है उसका नफ्स करीम है यानी बुजुर्ग है बड़ा है और वो छोटी चीज को देखता है कहता है ये मेरे लिए मेरी नफ्स के साथ मैच नहीं करती ये वाला बिहेवियर मेरे साथ मैच नहीं करता वो क्या करेगा उस बिहेवियर से अपने आप को आराम से बचा लेगा क्यों क्योंकि वो क्या सिग्नल दे रहा है यहां पर कि ये बिहेवियर दिस बिहेवियर मैच विथ माई करामत ये जो बिहेवियर है मेरी करामत के साथ मैच नहीं करता ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज है आई एम नॉट गोइंग टू इसको मैं ये काम नहीं करूंगा उसके लिए अब मैं इस फॉर्मूले को उल्टा कर देता हूं जो हमारे काम आएगा आप किसी भी कोई भी शख्स अपने नफ्स को जलील का समझे कोई भी शख्स उसने नफ्स को जलील समझे उसके लिए हर शर वाला काम उसके लिए आसान है जो शख्स इसलिए देखिए जो भी शख्स या तो बदमाशी या उसके ऊपर टाइटल लगा दीजिए कि ये ये है उससे बाद उससे हर काम एक्सपेक्ट कर लीजिए हर शरीर काम वो क्या कहते हैं करने के लिए तैयार होगा क्योंकि अब उसने अपने आप को नीचा कर लिया जब इंसान अपने आप को नीचे ले आता है तो नीचे वाले सारे काम करने लगता है और जब वो अपने आप को देखता है बुजुर्गों में तो हमेशा क्या कहते हैं जो है वो यहां पर यहां पर जो है वो अपने आप को बचाता है अब जब हमने कहा कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की तोहिन ना करें ना ये सिर्फ एक तरफ एक बात नहीं कर रहा कि हस्बैंड वाइफ की तोहहीन ना करें वाइफ भी हस्बैंड की तोहिन ना करें क्योंकि जब तोहहीन करेंगे तो आपने क्या किया उसके नफ्स को उसके सामने छोटा कर दिया जब किसी के नफ्स को छोटा कर दिया जाए उसके सामने उसको पुट डाउन कर दिया जाए यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हर और फ्रॉम हिम यही तरबियत बच्चों के लिए कही जाती है जब बच्चे जब बच्चे एक एज में आएंगे आप उनकी शख्सियत को कहा जाता है लफ्ज कहा जाता है यूज किया जाता है यू आर नॉट सपोज टू टीयर डाउन द पर्सनैलिटी ऑफ योर किड क्यों

ये जो क्या इमाम ने फरमाया मन करामत अलह है शहवात जो अपने अपने नफ्स को करीम करेगा उसके लिए अपनी शहवात पे काबू पाना आसान हो जाएगा इमाम इमाम सज्जाद फरमाते हैं उसके लिए दुनिया पे काबू पाना आसान हो जाएगा एक सारा बात कर दीजिए और वैसे भी इंसान वैसे भी मोहब्बत का गुलाम होता है आप एहानत की जगह अगर मोहब्बत से पेश आएंगे तो बहुत ज्यादा इंसान जो है वो एक पेश आता है उससे ठीक है अच्छा उसके बाद थर्ड जो मैंने कहा था मैं अभी बेसिक एथिक्स बता रहा हूं ठीक है दूसरी तीसरी बात यह है कि एक दूसरे के खानदान की तोहन ना करें बिल्कुल तोहिन ना करें एक दूसरे के खानदान कभी एक दूसरे के खानदान की तोहन ना करें ना वाइफ अपने हस्बैंड के खानदान की तोहन करे आप कभी भी मेरे सामने ये एक्सक्यूज नहीं सकते कि मैं तो रियलिटी बयान कर रही हूं रियालिटी बयान करने की जरूरत नहीं है चाहे इंसान को क्या कहते हैं जो है वो बात जरूरी हर आप बयान करें किसी के सामने नॉट सपोज टू से ईच एंड थिंग आप कभी भी ये काम ना करें उसके बाद चौथी चीज जो है वो जिंदगी में इंसान को रिवेंज वाला नहीं होना चाहिए इंतकाम नहीं लेने वाला होना चाहिए यह नहीं कहे कि बहुत ज्यादा हम जब देखते हैं फैमिली इश्यूज तो कहते हैं कि शी डिड इट इट और ही दैट्स आई दैट सेम थिंग रिवेंज इंसान की जो है जिंदगी में नहीं होना चाहिए और पांचवा चीज अपने बिहेवियर और कन्वर्सेशन में हमें सदाकत होनी चाहिए सदाकत यानी हम सच्चाई होनी चाहिए उसमें एक सला बात कर दीजिए देखिए अब हम क्या हमारा ये टॉपिक कहां पे आया था हमने कहा था इन ऑर्डर टू कीप द रिलेशनशिप दे आर थ्री फैक्टर्स

दोनों तरफ के डिजाइन का पता होना चाहिए अब मैं आपके सामने कुछ डिजाइन की बातें ओपन कर रहा हूं इसमें कोई लाफ करने वाली बात नहीं है मैं किसी की भी तोहिन नहीं कर रहा मैं जो रियालिटी है वो आपके सामने रख रहा हूं ठीक है यहां पर सिर्फ और सिर्फ यह नहीं बताया जा रहा कि यह बेहतर है या ये बेहतर है मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जब तक मर्द और, और औरत एक दूसरे की रियालिटी को नहीं समझेंगे तो कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे हो सकता है मिस्टेक करें अब मैं आपके सामने ये जो लॉ बता रहा हूं ये न लॉ है और जनरल लॉ है कहा जाता है कि जो लेडीज जो हैं वो जुजी नगर होती हैं मैं भी आपको उसके सामने तर्जुमा करता हूं जो मैन होते हैं वो कुल्ली नगर होते हैं यानी क्या लेडीज जो होती हैं वो डिटेल्ड ओरिएंटेड होती हैं मर्द जो होता है वो यूनिवर्सल व्यू होता रखता है यानी उसका व्यू कुल्ली होता है एक कुल के ऊपर निगाह करता है लेडीज जो है वो जूस पे निगाह करती है मैं आपके सामने मिसाल से वाजे करता कि कर लीजिए कॉल की या मैं कॉल कर रहा हूं मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ फर्ज कर उनका नाम जो भी नाम रख लीजिए आप उनका इस वक्त या फर्ज कर लीजिए मैं अपनी बात नहीं करता मेरी वाइफ सुनेंगी तो शायद ना ना। कोई मैं किसी आ, मैं आप अच्छा चलिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ अपने अपने घर का सब जान एक फर्ज कर लीजिए कि अली जो है वो अपनी वाइफ को कॉल करके कहते हैं कहते हैं जहरा कोई मेरी कॉल आई थी तो अब देखिए क्या आता है देखिए मैंने कहा था ये कोई मैं किसी का भी वो नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि डिटेल जुजई नगर से क्या मुराद होती है जुजी नगर से मुराद क्या होती है कुल्ली नगर से क्या मुराद होती है अब अली ने जहरा से पूछा कि जहरा डिट समी तो जरा कि मैं जो है ऊपर कपड़े इसी कर रही थी अली जो है वो जो था रो रोरा था और मैं जो है अपना इतनी देर में बैल बजी मैं नीचे गई भाग के तो क्या कहते हैं जो है वो अपना सादिक भाई थे वो कह रहे थे कि आज शाम को उनके जो है वहाँ पर आपका जो सेंटर है यहाँ का उसमें मजलिस है और उनके वालिद की मजलिस है और सात बजे ठीक सात बजे आ जाइएगा ये रिस्पॉन्स है देखिए रिस्पॉन्स आया ये आया डिटेल, डिटेल से, जो ओरिएंटेड होते हैं वो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ले रहे हैं ना ये खूबी है इसको आप वो ना उसमें कह रहा हूं ये खूबी है अच्छा अब आप यही क्या कहते हैं फर्ज कर लीजिए जहरा ने अली को कॉल की जहरा कॉल कर रही है अली सादिक भाई कॉल इट

तो गलत गलतफहमी शुरू हो जाती है गलत फहमी शुरू हो जाती है मिसाल के तौर पर हस्बैंड जो है जिसको नहीं पता कि क्या कहते हैं ये खवातीन ये खवातीन के बाय डिजाइन ये ऑप्शन है बाय डिजाइन डिटेल्ड के अंदर डिटेल क्या कहते हैं ओरिएंटेड है यानी बाय डिजाइन जो है मर्द जो है वो क्या है न्यूज बाइट है और वहां से जो है वो डिटेल क्या कहते हैं खबर है ठीक है ना यहां से सिर्फ और सिर्फ आपके सामने सीन आएंगे वहां पे पूरी लाइफ पिक्चर चलेगी डिजाइन है ठीक है डिजाइन ये मसला नहीं है ये खुदा ने ऐसा बनाया आप अगर आप हंसेंगे तो इसका मतलब इस के, के लिए है क्योंकि अगर सिर्फ न्यूज बाइट चलेंगी तो डिटेल कहां से पता चलेगी अगर डिटेल पता चलेगी तो किस वक्त न्यूज बाइट आएंगी ठीक है तो ये हतमन इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है रियलाइज करने की जरूरत है कि ये डिफरेंसेस हैं अच्छा आप देखिए इसके अलावा मर्दों में क्योंकि मैं आपके सामने अभी मैं मैं आपके सामने ऑप्शन रखूंगा क्या है क्योंकि अक्सर जब जब प्रॉब्लम्स होती हैं जब मैरिज प्रॉब्लम्स होती हैं और जब काउंसलिंग के लिए खातन आती हैं तो एक खातन का शिकवा होता है देखिए ये जो हमारे हस्बैंड है ये हमारी बात ही नहीं सुनते एक ये होता है बात नहीं सुनते अब क्या होता है मसला क्या होता है देखिए खातन की क्या खूबी है और मर्दों की क्या स्टाइल है ठीक है खातन की खूबी मिसाल के तौर पे इस तरह से होगी कि खातन अपने जब किसी दोस्त से बात कर रही होंगी किसी से बात कर रही होंगी वो उनको आंखों में देख रही होंगी और पूरी तरह रिस्पॉन्स दे रही होंगी अच्छा इसको हम इसको जो है जो टेक्निकल लैंग्वेज में फारसी में कहा जाता है अपना जो है ये फरा पयाम यानी एक मैसेज है अल्ट्रा मैसेज एक अल्ट्रा मैसेज है देखिए आप दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है ठीक है इंफॉर्मेशन इधर से इधर मूव हो रही है ठीक है ये जो इंफॉर्मेशन इसको आप कह हैं मैसेज ठीक है और इसके साथ कुछ चीजें एड है साइड में एहसास डिटेल जज्बात ये तमाम जो इसके साथ अटैच है इसको हम कहेंगे फरा प्याम वो जो खाली मैसेज है उसको कहेंगे प्याम मर्द जो होते हैं वो प्याम डिलीवर करते हैं खातन जो होती हैं वो अल्ट्रा फरा प्याम डिलीवर करेंगी अल्ट्रा मैसेज है यानी क्या उस पैकेट के साथ साइड में साइड में दूसरी तमाम लवाजमत उसके साथ शामिल होंगे ठीक है ना मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे अगर आप लेट आए तो खातन की तरफ से ये शिकवा हो सकता है आप हमेशा लेट आते हैं अच्छा अब मर्द अगर, अगर मर्द इस रियलिटी को नहीं समझता तो कहेगा ये आप क्या कह रहेंगे? मैं तो एक ही दफा लेट आया था भाई ये नॉर्मल नॉर्मल है कोई बात नहीं आप इसको लीजिए डिजाइन है ठीक है आप हमारा ख्याल नहीं रखते आपने सिर्फ हो सकता दो दफा ख्याल ना रखा हो तो ये चीजें जो है वो क्या होगा ये आपके लिए एक आप अगर इस चीज को समझ जाएंगे तो मुश्किल नहीं होगी अच्छा अब खातन जिस तरह से खातन जो है वो आप जब रिस्पॉन्स कर रहे होंगे अक्सर खातीन तो वो आपको क्या कहते हैं जो है वो जी हाँ जी बिल्कुल जी स्पॉन्स देती हैं ठीक है मुकम्मल तौर पर अच्छा मर्द का क्या है मर्द से खातन बात कर रही है मर्द अखबार पढ़ रहा है वो बता रही है अपनी पूरी स्टोरी हम्म हाँ, अच्छा हुँ। अच्छा, हुँ। अच्छा सुन रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ये मर्द का स्टाइल है मर्द इस तरह से रिस्पॉन्स करता है मर्द का क्या कहते हैं स्टाइल ये है, है। बल्कि बाज लोगों का मैंने इसको कंफर्म नहीं किया बाज एनालिस्ट ये कहते हैं कि औरतें जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हैं मर्द जो है राइट एयर के कुछ सेंटीमीटर ऊपर देख रहा होता है या किसी और जगह उसकी तवज्जो होती है ठीक है अब यहां पर जो है वो अब आपस में अब एक साहब अखबार पढ़ रहे हैं और खातिन जो है वो बेचारी कुछ कहना चाह रही है अब ये कह रहे हैं जी हाँ हाँ हम्म पढ़ने में लगे सुन भी रहे हैं ऐसा नहीं कि सुन नहीं रहे सुन रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है लगे हुए इधर अब खातन ये समझती हैं देखिए क्योंकि रियलिटी नहीं पता ना एक दूसरे का डिजाइन नहीं पता तो खातीन समझ रही है ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं मर्द ये समझ रहे हैं कि ये तो बहुत बोल रही है हालांकि वो बिल्कुल नहीं बोल रही बेचारी वो वो जो नॉर्मल पैकेट आ रहा है वो वैसे ही है आपका चूंकि इंटरेक्शन नहीं है और खासतौर तो पर वेस्ट में तो आपको पता ही नहीं है वहां तो एक्सटेंडेड खानदान होते थे पाकिस्तान के अंदर तो आप देख लेते थे कि भी हमारी खाला भी यही कर रही है हमारी मानी भी यही कर रही है हमारी फला फला भी यही कर रही है ठीक है लेकिन यहां पर आपको पता ही नहीं है आप कहते हैं कि यह क्या प्रॉब्लम है अब देखिए रियालिटीज आपकी जो है वो तो मैं आपको क्या करना चाह रहा हूं कम्युनिकेशन से पहले रियालिटी के ऊपर एग्री हो जाए रियालिटी है ये इसको एक्सेप्ट कीजिए ताकि क्या हो इख्तलाफा कम से कम हो आप एक दूसरे को समझ सके पूरी तरह से एक सलावाद पड़ती बारे दिगर सलाबार तो सुबह तो अच्छा अब देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो एक तो और सलाबाद पढ़ दीजिए अब हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़? किस चीज़ की जरूरत है ठीक है किस चीज़ की जरूरत है कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन होनी चाहिए कम्युनिकेशन होनी चाहिए बल्कि इसको कहना चाहिए इसको कहा जाता है कि एक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए मर्दों को इस चीज़ का रियलाइज करना चाहिए कि भाई हमें जो है वो मिसाल के तौर पर जो खतान ने जो खुतन के काम जो है उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए उन्होंने क्या किया है किस तरह से सेटिंग की है दूसरी तमाम चीजें मर्दों को उनकी तरफ तवज्जो उन खातन को तवज्जो की जरूरत होती है क्यों ऐसा क्यों है देखिए खातन और मर्द मैंने अर्ज किया था मुख्तलि डिजाइन हुए खातिन में बल्कि एक सवाल भी किया जाता है नहजुल बलागा के अंदर एक जगह पर अमीर उल्मिन का खुदबा भी है उन्होंने कहा कि औरतें नाकसल होती है बहुत ऐतराज होता है बहुत इसमें हंगामा होता है ठीक है मैं आज उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा गलत है अमीरमोमिन का जुमला सही है उससे मुराद क्या है उससे मुराद देखिए क्या है आप आज तक इस चीज को नहीं समझा गया इसको समझ लीजिए तो पता चल जाएगा क्या है अमीर उलमोमनी ने एक फैक्ट की निशानदेही की थी वो फैक्ट यह है कि इंसान में दो करेक्टरिस्टिक्स हैं और ये दोनों प्रोपोर्शनल एक दूसरे के दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के जिसको आप कहते हैं ना इश्क अक्ल देखा होगा ना आपने उरफा कहते हैं कि जो है हम इश्क के जरिए हमने एक रात में हमने वो तय कर ली और अक्ल जो है वो अभी महव तमाशा है लबे बाम अभी ठीक है ना वो कहते हैं इश्क के जरिए जो है इंसान कहां पहुंच गया खातीन में बयान कर रहा हूं फारसी में बाईफत होती है जितनी होगी ऐसा नहीं है कि अकल नहीं है अतूफत जितनी ज्यादा होगी अकल उसके मुकाबले में बराबर होगी अकल से मुराद यह नहीं है कि विजडम अकल से मुराद विजडम नहीं है यहां पर ठीक है देखिए कोई भी चीज इसको डिजाइन किया गया ऐसा किस लिए रखी गई है आप मैं अगर आपसे पूछूं कि उतुफत अच्छी है इश्क अच्छा है या अकल अच्छी है तो आप उर्फा के पास जाएंगे उर्फा कहेंगे इश्क अच्छा है क्योंकि इश्क के जरिए आप वो रास्ता जो तय करते हैं करबला में क्या था इश्क था अगर अकल होती तो करबला से बाहर थी इश्क था इश्क, इश्क खींच के लेके आया था करबला में लोगों को ठीक है ना अतूफत खींच के लाई थी मोहब्बत खींच के लाई थी खवतिन में मोहब्बत और इश्क ज्यादा होता है अमीरुल मोमिनीन सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि इनमें ज्यादा होता है ये ज्यादा होता है ये ज्यादा होता है क्यों ज्यादा होता है इसके पीछे रीजन है देखिए मैं अगर आपसे पूछू सख्त है या नर्म कौन सी चीज अच्छी है आप कहेंगे डिपेंड करता है देखिए बास चीजें नर्म अच्छी होती हैं चीजें सख्त अच्छी होती हैं अगर आप कारपेट लेना चाहेंगे तो कारपेट आप कहेंगे नर्म अच्छा होना चाहिए आप क्या कहते हैं कोई दीवार को कहेंगे या दरवाजा होना चाहिए सख्त अच्छा होता है ठीक है क्यों क्या कहते हैं जो है ना खातन को इश्क इश्क का वो रखा गया है क्योंकि उनकी आगोश में बच्चे परवान चढ़ते हैं मर्द अगर हंड्रेड टाइम भी मर जाए तो मां जैसी और खातन जैसी बच्चे को अपनी आगोश नहीं दे सकता यह इसलिए रखा गया है यानी अतूफत इश्क का फैक्टर खातिन में ज्यादा रखा गया है मर्द को चूंकि बाहर के जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है दुनिया के इसलिए उसके अंदर क्या रखा है उसमें सख्ती रखी गई है इधर नरमी रखी गई है और ये नरम और सख्त मिलके क्या कहते हैं जो है फैमिली को तश्ल देते हैं इसलिए है ये यहां पर इसलिए है इसलिए आपको पता चलेगा आप कि अगर जब मैं कह रहा हूं कि एक डिटेल ओरिएंटेड है क्योंकि इश्क तकाजा करता है डिटेल का आशिक जब अपने उसका बयान करता है कोई चीज तो वो इश्क सिर्फ डिटेल बताता है पूरी जबकि जो दूसरे साइड जो है वो उसको ओवरऑल बताता है तो ये डिजाइन इस तरह से है डिजाइन में किसी किस्म का भी कोई फॉल्ट नहीं है ना इधर है ना उधर है ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है एक दूसरे के साथ है इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं जो ना बनाना है खुदा ने ये दोनों एक दूसरे के लिए तकमील कुनंदेगान है एक दूसरे को जो है आकर कंप्लीट करेंगे ये ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे अगर हम इस रियलिटी को समझ जाए तो हमें पता चलेगा कि दोनों तरफ का बिहेवियर में फर्क है हम इस चीज को रियलाइज कर जाए कि खातन जो है उनके उनके दरमियान उनमें जज्बात और एहसास ज्यादा होंगे इससे आप बॉदर ना हो और खातन को यह पता होना चाहिए कि इस साइड पर इतने जज्बात और एहसास नहीं होंगे यहां कम होंगे तो उसको वो सर्द मोहरी ना समझें उसको ये ना समझें कि ये तो बिल्कुल कोल्ड हार्टेड है और उधर ना समझा जाए कि ये एक्स्ट्रा इमोशनल है एक्स्ट्रा इमोशनल है आप यकीन करें हमारे सामने हमने खुद डिवोर्स देखी है हमारे अपनी एक दोस्त क्या कहते हैं जो खुद तालिबे में उनकी अपनी वाइफ से डिवोर्स अभी रिसेंटली हुई हमने पूछा क्यों तो उन्होंने कहा जी वो एक्स्ट्रा इमोशनल है तो देखिए यहां पर जब हम समझेंगे नहीं किसी चीज को जब हम किसी चीज की तह तक नहीं पहुंचेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी बहरहाल एक सलावाद पढ़ दीजिए बस हमें यह पता चला कि यह डिजाइन इस तरह से जब हमने इन कम्युनिकेशन को समझ लिया अब हम बताएंगे कि हम किस तरीके से कम्युनिकेशन करें इसके लिए एक तरीका है मैं फारसी का लफ्ज बोल रहा हूं वो कहते हैं जीबा बेगुद के जीबा बे शनवीद खूबसूरत बोलो कि खूबसूरत सुन सको पहला कानून पहला कानून जब आप अपनी वाइफ के साथ कम्युनिकेट करें या वाइफ आपके साथ कम्युनिकेट करें आप खूबसूरत अल्फाज बयान कीजिए खूबसूरत जुमले बोलिए जब वो खूबसूरत बोलेंगे तो जवाब क्या आएगा खूबसूरत आएगा जब आप बच्चे से बात करें खूबसूरत अंदाज़ में बात करें जवाब क्या आएगा खूबसूरत आएगा ये लॉ है लॉ है ये आप इसका उल्टा कर लीजिए बदसूरती से गलत अंदाज़ में बोलिए जवाब गलत अंदाज में आएगा पहला फार्मूला दूसरा फार्मूला अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए लफ्स को तो सही तरीके से कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है हमने अच्छे इस्तेमाल कीजिए मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं मैं किसी को एक जो है अच्छे अल्फाज के लिए कहना चाहता हूं एक तरफ मैं कहता हूं अली इधर आओ एक तरफ मैं कहता हूं अली बेटा तशरीफ लाइए देखिए जमीन आसमान का फर्क हो गया मैसेज एक ही था अली आइए या अली बेटा आइए देखा आपने कम्युनिकेशन किस तरह से इंप्रूव हो रही है फिर अच्छे लहन और आवाज में बात करें अच्छे लहन और आवाज में बात करें ठीक है यानी अगर एक इंसान कोई किसी से बोलता है अली वेर यू ठीक या अली बेटा आप कहां थे देखिए कितना फर्क है यही आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए इसको छोटी छोटी चीजें हैं ये मैं आपके सामने कोई रॉकेट साइंस बयान नहीं कर रहा ये वो चीजें बयान करूं जो आपके अपने अख्तियार में है इसके जरिए अगर आप अपनी रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं तो क्या मसला है जब आप रिलेशनशिप इंप्रूव करेंगे तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप आप बच्चों की सही परवरिश कर पाएंगे आपके दरमियान खुद आपके दरमियान जब अच्छा ये इसका फायदा क्या होता है कि जैसे ही ये तीन फैक्टर्स में से एक फैक्टर किसी चीज को ऊपर ले जा सकता है एक फैक्टर अगर रिलेशनशिप डाउन हो रही है अगर खुदा ना खास्ता एफिनिटी नहीं है अगर खुदा ना खास्ता रियलिटी नहीं रही किसी वजह से भी तो यहां पर कम्युनिकेशन उसको क्या करेगी इंप्रूव करेगी रिलेशनशिप को एक सलाह बात अलबत मैं अपनी बहनों से ये कहूंगा कि हमारे को इस वेस्ट के अंदर भी और दूसरी जगह पे जो खातन को सबसे ज्यादा नुकसान बनाया है वो फेमिनिस्ट तहरीक ने पहुंचाया फेमिनिस्ट तहरीक ने पहुंचाया खातिन को उनका जो मुकाम था जो उनका तकदस था उनका जो वाकया एक जायगा थी उनका जो एक पोजिशन थी उससे उन्होंने उठा के उनको फैक्ट्रियों में ले गए ठीक है और एक जो इख्लाफात की वजह हमें घरों में नजर आती है उसकी वजह यह होती है कि खातन अक्सर हमारी माए बहने समझती हैं कि घर के काम बहुत हकीर हैं ये जो घर के काम है बच्चे पालना अपना घर के काम किचन के काम करना दूसरे काम इट्स लाइक अ लो थिंग्स ये ऐसी बात नहीं है अगर ऐसी बात होती तो हजरत जहरा ये सारे काम करती थी हजर जहरा चक्की पीसती थी हजरत जहरा सारे काम करती थी बच्चों को पालती थी तमाम काम करती थी दुनिया की सबसे अजीम खातून कभी भी उन्होंने इस काम को हकीर नहीं समझा तो बहरहाल ये हमारा यानी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज पे जो जो बहुत गौर कीजिए और के कम्युनिकेशन किस तरह इंप्रूव की जाए रिलेशनशिप इंप्रूव किया जाए क्योंकि ये बच्चों की तरबियत पे असरअंदाज होंगे मेरा मकसद यहाँ पर इस पूरे उसके अंदर कतान किसी की तोहिन कतान किसी का वो नहीं था मैंने आपसे पहले अर्ज किया मैं डिजाइनर्स कर रहा था डिजाइनर्स कर रहा था इसको कतन तौर तो पर जो है आप ये ना लीजिएगा कि यानी मैं किसी भी किसी का भी जो है इसमें मैं कह रहा था कि उसको पुट डाउन करूं या फर्क है हमारे यहाँ हमारे हाँ हमेशा लोग जो है वो खल के ऊपर जो है फख्र करते हैं फला साहब इतने लंबे हैं फल साहब इतने खूबसूरत है फला ऐसे हैं फला सैद खानदान के हैं फला नॉन सैयद के हैं फला है मीर साहब है फला ये हैं ये सब क्या है खल है फला मर्द फला औरत है ये सब खल्क है जब आप खल्क पे एतराज करते हैं एक्चुअली आप खुदा पे एतराज करते हैं खल्क में आपका कोई हाथ नहीं है किसी ने देखिए अगर मैं अपने ऊपर फख्र करूं कि मुझे खुदा ने मर्द बनाया तो मेरा इसमें क्या फख्र है कोई फख्र नहीं है इसके अंदर क्योंकि खुदा ने मुझे बनाया है मुझसे मशवरा नहीं किया था पहले बनाने से पहले ठीक है तो अगर मैं क्या कहते हैं इस पर या मैं किसी पर ऐतराज करूं कि फना क्या कहते हैं ये क्यों है फना छोटे कत के या बड़े कत के या इस टाइप के क्यों है तो इसका मतलब मैं खुदा पे ऐतराज कर रहा हूँ खुदा की मखलूक है सारी की सारी खुदा ने उनको सही डिजाइन के साथ बनाया है अपनी खुदा के उसमें किसी किस्म की कमी नहीं है हाँ किस चीज पे हमें क्या कहते हैं फख्र करना चाहिए वो हल्क है इंसान के अखलाक है इंसान का इंसान की क्या कहते हैं बिहेवियर है इंसान के एटीट्यूड्स हैं इंसान किस तरह दूसरे लोगों के साथ पेश आता है ये असल पे हम फखर कर सकते आज हम बस यहाँ तक पहुँच सके कि बच्चों का जो है वो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए माँ बाप को एक दूसरे के साथ ख्याल रखें कि घर का माहौल अच्छा हो बस मैं आखिरी सिर्फ चंद जुमले अर्ज़ करूँगा कि जो मतलब बच्चों से मुतल है अब इसमें नहीं हो सकता है इन शाला कभी बाद में कभी कि बच्चे सात साल तक है मैंने अर्ज़ किया था कि सात साल तक जो है वो उसमें रोल मॉडल बिहेवियर आपने अख्तियार करना है आप जो काम करेंगे आप अगर म्यूज़िक सुनेंगे और आप चाहेंगे आपका बच्चा सुने मुमकिन नहीं है कि ना सुनें आप अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे आप चाहेंगे बच्चा आपका नमाज पढ़े ना मुमकिन पहले सात साल में टोटल वो आपको फॉलो करता है अभी मैं आज ही क्या कहते हैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक साहब का साइकोलॉजिकल उसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चे के कमरे में अभी सात साल का छोटा है अभी ना बच्चे को बोल रहे हैं नमाज पढ़ो ना बच्चे को ये कह रहे हैं कि तुम कोई काम करो सात साल की एज तक कुछ नहीं कहना आपने सिर्फ सात साल के सामने उसके सामने कोई चीज़ परफॉर्म करनी है ये कहने लगे मैं अपने बच्चे के सामने डेली नमाज शब्द उसके कमरे में पढ़ता था कहते हैं मेरा अपना जिंदगी का एक्सपीरियंस ये है कि अब वो बच्चा जवान हो चुका है नमाज रोजा हर चीज बल्कि तभी वो कहता है बाबा आज मेरे कमरे में आपने नमाज नहीं पढ़ी उसने बचपन से अपने बाप को एक काम करते देखा खामोशी के आपने कुछ नहीं कहा आप पे कोई और महंगी सिर्फ रोल मॉडल है जो आप चाहते हैं बच्चे से आप वो अला काम अंजान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि क्या कहते हैं बच्चा मुसखी ना सुने अगर आप चाहते हैं कि बच्चा क्या कहते हैं दिन के लिए हो तो आप हो अगर आप चाहते हैं कि नमाज पढ़े तो आप नमाज करें ठीक है अगर आप चाहते हैं आपकी बच्ची हिजाब करे तो आप खुद हिजाब करें तमाम की तमाम चीजें सात साल के अंदर अंदर पहले साल से पहले दिन से दूसरे दिन से बच्चे के इनपुट डेटा ऑन है उसके सारी इनपुट आ रही है और वो उसको उसके मुताबिक जो है कर रहा है पहला फेज दूसरा फेज जो है सेवन टू फोरटीन वाला जो फेज है ये मोहब्बत का फेज है ये मोहब्बत का फेज है ये लव वाला फेज है इसमें आपको बच्चे को यहां पर यहां पर बच्चा जो है उसको अटेंशन चाहिए यहां उसको मोहब्बत चाहिए यहां पे बच्चे को आप सिर्फ ये यह बताएंगे यहां पे अभी भी दलील नहीं देनी है आपने उसको अभी इस्तेदलाल नहीं है ठीक है अभी वाला फेज क्या है आप कहेंगे मुझे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप मुझे आपसे बहुत मोहब्बत आती है जब आप ये काम कर रहे होते हैं यानी आप उसके सामने मोहब्बत क्या कहते हैं उसके सामने शो करेंगे अपनी ये वो फेज है जिसमें तरबियत आगाज होती है जो शुरू का जो सात साल का फेज है वो खेलने कूदने का बच्चे का फेज है ये जो सेवन टू 12, बाज कहते कहते हैं 7 to 12, बाज 7 to 14 कहते हैं इसमें अब आप उसको सिखाएंगे सारे किस किस तरह तरह से से बैठा जाता है, किस तरह से उठा जाता है है उठा किस तरह से आहिस्ता 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 और जो थर्ड फेज है वो बहुत सेंसिटिव फेज है बहुत सेंसिटिव फेज है इसके ऊपर बाकायदा कई मजालिस हो सकती हैं ये वाला फेज सबसे डेंजरस और सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इसको कहा जाता है जिंदगी की बरजा जिंदगी की बर्जा ये मुख्तसर होता है लेकिन इसके इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं ये क्या है ये फेज है जहां बच्चा इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा है यहां उसकी एक शख्सियत डेवलप हो रही है यहां उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए यहां वो आपके अंदर अदालत जा रहा है जस्टिस तलब करेगा आपसे घर के अंदर आप कहेगा नो वाई डिड यू डू दिस वन यू ब्रिंग गिफ्ट फ्रॉम अब वो माँ बाप के ऊपर एक फेज आ रहा है जहां वो माँ बाप को क्वेश्चनिंग करना शुरू करता है अब उसकी अपनी पर्सनैलिटी डिवेलप हो रही है इस फेज के अंदर ठीक है ये फेज बहुत अहम है जो लोग इस फेज को बहुत अच्छी तरह यहां पे आपको बहुत तवज्जो की जरूरत है कि बच्चे को आपने कितनी रिस्पेक्ट देनी है बच्चे को किस तरह से क्या कहते हैं आपने उसको हैंडल करना है उसके क्या कहते हैं जो है ना वही जो मैंने आपको कहा करामत नफ्सा हु उसके नफ्स को उसको करीम बनाना है उसको उसकी इज्जत करनी है उसको क्या कहते हैं हाँ गलत चीजों के ऊपर आपने उसको सही तरीके से आपने उसको माना कर हर जगह पर पहले सात साल के अंदर भी सात साल का मतलब ये नहीं है पहले के बच्चा आपका जो चाहे करता फिर कहीं जगह पे खासतौर तो पे सेंटर्स वगैरह में आप लोग ख्याल रखिए कि जब आता है बच्चा तो किस तरीके से उसको हैंडल करें क्योंकि बहरल ये एक कॉमन जगह है ठीक है ना यहाँ पर जो है आप लोग सब इसमें अगर बच्चा देखिए मैं मैं ये कहता हूं बच्चे का सात साल तक खेलना काम है खेलना भागना दौड़ना ठीक है अगर आप समझते हैं सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो मेरा एक अखीर सजेशन ये है कि जब आप आने लगे अगर दिन का वक्त है तो आप एक घंटा पहले निकलिए एक बॉल लीजिए सॉकर बॉल लीजिए दो बच्चों को लीजिए उन बच्चों को बोलिए खेले ग्राउंड में खेलने जरा दो घंटा एक घंटा वो निकालने अपनी एनर्जी निकाल लें उसके बाद ले आइए सेंटर में अब वो सेंटर में आएंगे अलहमदुल्ला उनको एक तरफ बिठा दीजिए बड़े आराम से वो बैठ के चीज सुनेंगे क्योंकि वो एनर्जी है उनके अंदर आप उनको लेकिन रोक टोक जो करेंगे वो सही अंदाज में करें ठीक है ना आप ये एक तरीका रह जाता है कि आप उनकी एनर्जीज कहीं निकाल दीजिए एनर्जी निकाल दी इस फेज में बहुत सारी चीजें हैं मैंने आपको कहा था ये इनपुट वाला फेज है यहां पर जब कहा था पैंबर अक्रम ने कि सरदार हैं ये तो वहां पे उनका मकसद था दूसरी के अंदर है कि सात साल तक बच्चे को खेलने दो ये मकसद था उनका समझे ना कि सात साल तक बच्चा खेलता है क्योंकि उस खेल के अंदर उसकी डेवेलपमेंट है यहां पर मां बाप के लिए एक प्रिकॉशन है उनको टीवी और वीसीआर के हवाले ना कर दें ये खेल नहीं है उसके लिए हम यहां पे फिजिकल एक्टिविटीज की बात करें जितनी ज्यादा उसमें फिजिकल एक्टिविटी इस फेज में होगी उतना उतनी ज्यादा उसकी अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी और अगर वो एक तरफ जो है वो क्या कहते हैं जो है वो एक जगह पे बैठ जाएगा सिर्फ टीवी वीसीआर और उसके सामने यहां पर वो उसको हेल्प नहीं मिलेगी बल्कि क्या होगा यहां पर क्योंकि ये इनपुट का फेज है यहां पर वो जो कुछ भी इनपुट देना चाहते हैं आपको आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए सबका सब इनपुट सब आ रहा है वो रोल मॉडल आ रहे हैं वो तमाम चीजें उसकी शख्सियत में डेवलप हो रहे हैं इसलिए आप लोगों को अपनी इकोनॉमी से तवज्जो हटा के थोड़ी सी अब आप अलहमद लाला सब के सब आपकी इकोनॉमी अच्छी है यहाँ पर अपने बच्चों पर तवज्जो दीजिए उनको टाइम दीजिए उनको लेके जाइए छोटे बच्चे को खासतौर पर बाहर उसको बोलिए भागो खेलो समझे ना उसके बराबर के बच्चों के साथ अपने जैसे बच्चों के साथ उसको पास लेके जाएं ताकि वो अपने हमेशा बच्चा अपनी एज के बच्चों के साथ खुश रहता है अपनी जेंट्स के बच्चों के साथ खुश रहता है दो उनको अलग अलग ना करें ताकि उनके मुकाम कंफ्यूज ना हो लड़का लड़की जैसे बिहेव ना करे लड़कियां लड़कों जैसे बिहेव ना करें बहरहाल ये कुछ गुजारिशात थी और मैंने अर्ज किया था कि इसमें इनशाला कभी मौका मिला इनशालाफे उसके ऊपर पॉइंट हैं बहुत ज्यादा चीजें हैं जो इनशा फिर कभी जिंदगी रही तो आपके सामने अर्ज होगा आइये हम इनशा जो है वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं इनशाला खुदाया जवान हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा खुदाए हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा मोनी व ममिनात पर अपनी खास बरकत नाजिल फरमा खुदाया हमें तोफी कथा फरमा कि हमें अपनी औलादों की तरबियत कर सकें कलब इमाम ज़मान को हमसे राज़ी फरमा इमाम के ज़हूर में ताजी तथा फरमा तमाम मराज़े कराम की हिफाजत फरमा रहा मक्रफ़ात अस्सावात